टोटल 1 रन बिना किसी नुकसानी पर अभी भी 100 ओवर की आखिरी 3 गेंदे शेष। रन आउट का चांस लिया सिंगल, सिंगल के जरिए टीम का टोटल 4 रन, माफी चाहूंगा 2 रन। 4 गेंदों की समाप्ति के बाद टीम का टोटल 2 रन। दो गेंदे डॉट किए यहां पे और 2 सिंगल लिए। देखिए ग्रैंड फिनाली की मैच है, इसी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इतना काम किया विदाउट 0 एरर, अब आखिरी में ऐसा करेंगे तो नाम खराब होगा और मेरे आपका स्कोरिंग में प्लस माइनस होता है, जिस क्रेडिट मुझे लेना पड़ रहा है। लेकिन चलते मैदान की ओर, इस बार स्वरूप में गई गेंद लिया सिंगल के जरिए टीम का टोटल 4 रन। आखिरी की 2 शहबाज हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक ओवर की समाप्ति और टीम का टोटल 5 रन। एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल 5 रन। चलिए बगैर टाइम पास ये विदाउट मीटिंग अब मुकाबले को शुरू करना होगा। ग्रैंड फिनाले का मैच सुबह का वक्त हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, किंग ग्रुप ट्रॉफी 2021 में लल्ला पवार और फिरोज काजी काफी मेहनत की और वो मेहनत रंग लाई जिस तरीके से मेहंदी हाथों में रंग लाती है। हाँ जी हाँ, हॉलेंडर ने भी काफी मेहनत की, सभी वॉलेंटियर्स ने। जी हाँ, 4+1 5 रन, इस 5 रन के जरिए टीम का टोटल स्कोर कार्ड पर 10 रन। एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल 10 रन। एक पंजा मिला यहाँ पर और इस बार रिवर्स स्वीप दागने की कोशिश, वहां पर रन आउट का चांस डायरेक्ट हिट लेकिन नाकाम, लिया सिंगल, सिंगल के जरिए टीम का टोटल स्कोर कार्ड पर 1 और 11 रन। आखिरी की 5 गेंदे शेष, बिना किसी नुकसान पर चलती हुई टीम मस्जिद मोहल्ला। और ये 4 के साथ 19। हेलो एक और, वाकई काबिले तारीफ, जितनी तारीफ करेंगे उतनी कम। अक्षय की धुलाई वॉशिंग पाउडर निर्मा से की, अब अजमल के जरिए लगातार 3 बाउंड्रिया दागी और इस 3 बाउंड्रिया के जरिए टीम का टोटल स्कोर कार्ड पर 23 रन। देखिए यहाँ पर कैश नगद रखना पड़ता है, उसके बाद इनाम राशि रखना पड़ती है। बस कहते बड़ी बड़ी बातें और ये नंबर 777-3924। बायर क्या है,
बॉल। देखिए बाहर से आवाज नहीं आना चाहिए क्योंकि मेगा फाइनल और किंग ग्रुप ट्रॉफी 2021 क्या सपना सजोया था राजू भाई ने ये चमचमती ट्रॉफी उठाने का, और वो ट्रॉफी कहीं ना कहीं अब बिल्कुल, ये देखिए आयोजक करता लल्ला पवार कह रहे हैं 60 रुपये माइनस किए जाएंगे 33,333 में से। टीम का टोटल 2 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन। चलिए दूसरा बॉल दीजिए। तो इस किंग ग्रुप ट्रॉफी 2021 में काफी अच्छा लगा इस हर साल की तरह, इस साल भी तुषार धुमाल और मुझे मौका दिया, तहे दिल से शुक्रगुजार चाहूंगा मैं अक्षय पवार का, साथ ही साथ लल्ला पवार और हमारे काजी साहब, इनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार। जो खान पान की व्यवस्था की थी, लेकिन हमारी जो चाय पिलाने की व्यवस्था थी वो तुषार धुमाल की, उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगा इस टूर्नामेंट में हमारी मेहमानी मिजबानी करने के लिए। रिवर्स में दागने की कोशिश और एक और बड़ी मछली फंसी जाल में और साहिल के पारी का अंत और विकेट, टीम का टोटल 30। देखिए अभी भी 11 गेंदों का खेल बाकी है, अगर एक फाइटिंग टोटल साई प्रसाद पेन के आगे खड़ा करना होगा तो कम से कम हाफ सेंचुरी। बिल्कुल देखिए यशवंत घाटे जी का भी तहे दिल से शुक्रगुजार चाहूंगा क्योंकि उनका डगआउट में फोटो लगा, वही बहुत बड़ा एहसान रहेगा किंग ग्रुप ट्रॉफी के लिए, पर काम कुछ नहीं किया, बस फोटो ही काफी है। शहबाज बांगी, ये देखिए शहबाज बांगी को दिए करारा जवाब, नंबर 99 के बल्ले से आया एक और धागा, 4-4 के जरिए टीम का टोटल 28 रन। मानो मस्जिद मुल्ला घर से ड्रेसिंग रूम से इससे ठोकर आ चुकी है, जिस तरीके से इनका बल्ला बोल रहा, आग बल्ला बोला साहिल का, अजमल का, आतिफ का, रख अंत में किशोर कामली की जो गेंदबाजी पूरे सीरीज में हमने देखे, शहबाज बांगी की एक और करारी गेंद और ये अपने फॉलो थ्रो में रन आउट लिया किशोर कामले के भी पारी का अंत, और अब मिडल ऑर्डर के बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाज बा बा सलमान काजी। देखिए ग्रैंड फिनाले के मुकाबले को चील की निगाह से देख रहे हैं क्योंकि वो अब घरेलू मैदान और घरेलू टीम ग्रैंड फिनाले में खेलती हुई नजर आ रही है, उस हिसाब से उनका भी हक बनना चाहिए अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए। लेकिन काबिले तारीफ इस गेंदबाज की, मानो 4 गेंदों में 5 रन देकर 2 विकेट चटका शहबाज भांगी। एक और करारा शॉट, फील्डर वहां पर मौजूद, रन आउट का चांस, लेकिन कोई वहां पर रिस्क नहीं लिया और लिया सिंगल, सिंगल के जरिए टीम का टोटल स्कोर कार्ड पर 29 रन। आखिरी की एक गेंद शेष, देखिए अगर शहबाज बांगी की बात करें तो पहली ओवर उन्होंने डाली जिसमें महज 5 रन दिए, और अब ये दूसरी गेंद और दूसरी ओवर भी समाप्त हो चुकी है 6 रन और जिसमें टीम का टोटल 29 रन। 2 ओवर डाले यहाँ पर शहबाज बांगी ने जिसमें महज 11 रन देकर विकेट चटकाए 2, वाकई काबिले तारीफ। क्यों मुझे लीड बॉलर दिया जाता है, क्यों मैं बॉलिंग करता हूं इसी का जीता जागता उदाहरण इस गेंदबाज के जरिए देखा, आग बोलने वाले बल्लों का आज मुंह बनकर आया इस गेंदबाज ने, वाकई काबिले तारीफ। लेकिन अभी भी मैदान में 99 यानी आतिफ मौजूद नॉन स्ट्राइक एंड पर, फैजल गेंदबाज अफजल राइट आर्म और द विकेट से गेंदबाजी के लिए डेथ ओवर स्पेशलिस्ट जिसे कहा जाता है। वहां पर कोई रिस्क नहीं लिया, सिंगल जाने दिया, सिंगल के जरिए टीम का टोटल 30।
मिडल ऑर्डर की बल्लेबाजी के लिए मैदान में मौजूद बल्लेबाज पा पा। वो कतई नहीं मार सकते हैं, यू तो आप कह रहे हैं अभी उन्हें हिमालय पहाड़ चढ़ने के लिए। ये देखिए लगाना है तो दो पे लगाओ, यू ही दिल दरिया बाकी सब समुंदर बनाकर काफी नहीं होता। 1000 रुपए लगाओ, भले 5 नहीं 1000 लगाओ। हैट्रिक पे 1000 रुपए का इनाम फिरोज काजी और अलल्ला पावर की ओर से पापा के लिए। एक बाउंड्री मारिए, मैं सब 2 बाउंड्री। यहाँ पे कैश नगद रखना होता है। जितने का आप इनाम नहीं लगा, जितने का आप इनाम लगा रहे उतने की मोबाइल की कीमत भी नहीं है। देखिए फैजल के जरिए 2 बाउंड्री ताके तो 1000 के इनाम। अफजल यहाँ पर चेक किया फैजल को, अब काई इन्फॉर्म बल्लेबाज और गेंदबाज भी जितनी तारीफ करेंगे उतनी कम, दोनों टीम के दोनों खिलाड़ियों की। ये बल्ले का भारी किनारा लगा और लिया सिंगल। सिंगल के जरिए टीम का टोटल 35 रन, मैच आखिरी की 3 गेंदे शेष। और तुषार धुमाल का तजुर्बा हमेशा कहता है फाइनल मैच के टाइम पे सभी वेंडर्स मौजूद रहते हैं, चाहे तुम हो चाहे मैं चाहे डीजे ऑपरेटर रात भर और कैमरामैन भी। इसे कहते हैं दोस्तों ड्यूटी। ग्रैंड फिनाले के टाइम पे अक्षय पवार भी मौजूद है, यानी इस हिसाब से इनका भी कुछ, फिरोज काजी इन पर भी ध्यान देगी। लेकिन अब चलते मैदान की ओर, आखिरी की 3 गेंदे शेष। अफजल के जरिए मानो सुई में से धागा पूरा, जो करारा शॉट लगाया, क्यों मुझे 99 नंबर दिया, इसी का जीता जागता उदाहरण आतिफ ने दिया और एक और दिया धागा 4। इस 4 के जरिए एक रात भरी सांस लिए राजू भाई ने और टीम का टोटल 39, एक फाइटिंग टोटल खड़ा कर चुका है यहाँ पर इस मैदान में। आखिरी की 2 गेंदे शेष। अफजल कहीं ना कहीं महंगे साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। 4 गेंद भी, देखिए पहला सिंगल फिर बाउंड्री फिर सिंगल फिर बाउंड्री। फिर एक बार करा रहा शॉट, फील्डर को चीरती हुई गेंद गई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, दागा एक लंबा 4। तो देखिए अगर इस गेंद पर बाउंड्री आई तो श्री गणेश स्पोर्ट्स होम के मालिक तुषार धुमाल, इनकी ओर से आतिफ को 99 नंबर की जर्सी है लेकिन 100 नंबर की जर्सी उनकी तरफ से देंगे। देखिए दोस्तों इसे कहते हैं देने का दिल दरिया किस तरीके से बनाया जाता है। तुषार धुमाल एक बाउंड्री, 100 नंबर की जर्सी, 1 नंबर की बढ़ोती और इन्हें 100 नहीं इन्हें 1000 नंबर की जर्सी देना होगा क्योंकि इन्होंने बाउंड्री नहीं दागी, इन्होंने दागा एक छक्का जिसका कोई उपयोग नहीं इस बॉक्स क्रिकेट में। 4 ओवर की पारी समाप्त, टीम का टोटल 43, आने वाली गेंदे 24, रनों की जरूरत होगी 44 और ये 44 रन साई प्रसाद पेन को होंगे नहीं होंगे इसी का जीता जागता उदाहरण सुनाएंगे माइक्रोफोन पर तुषार धुमाल। लेकिन उसके पहले डीजे
तर 24 चेंडू आणि गरज आहे 43 धावसंख्येची, 44 धावसंख्येची टीम माडिकवाडी पेन संघाला। आता विरोधात खेळ आहे तो मस्जिद मोल्ला खोपोली संघाचा। पहिला चेंडू घेऊन गोलंदाज किशोर, ज्याचा हा चेंडू पंचांनी नो घोषित केलाय, म्हणजे एक अतिरिक्त धावांनी धावांचा श्रीगणेश मात्र झालाय। समीकरण बदललं, येणार आहे आता 24 चेंडू 43 धावांची गरज। आजच्या रात्रीमध्ये आपण पाहिलं या कर्जत खालापूरचे विद्यमान आमदार सन्माननीय श्री महेंद्र शेठ ठोरवे यांचं आगमन अतिशय दमदार सोहळ्यामध्ये झालं। त्यानंतर ग्रीन किंग ग्रुप खोपोलीच्या या षटकासाठी भेट देण्यासाठी आपण पाहिलं, तर गोल्डन मॅन धुळे साहेब देखील उपस्थित राहिले। अतिशय मान्यवरांची दिग्गज मांडीवाळी या व्यासपीठावरती आपल्याला पाहायला मिळाली आणि खऱ्या अर्थानं या शृंखलेची पोच पावतीये, जी शृंखला आज मात्र फायनलच्या टप्प्यात आहे। फायनलचा सामना दुसऱ्या सत्रामध्ये देखील सुरू आहे, पण यावेळेस पंचांनी पुन्हा एकदा आमच्याकडे इशारा दिला, हा चेंडू स्वेअर आहे। अमंतर धामिनी धावपलकावरती वा टोटल 6 धावा स्कोर कार्डवरती आल्यात आणि या पूर्णपणे आयोजनाचं श्रेय जातं किंग ग्रुप खोपोलीच्या वतीने आयोजित केलेल्या शृंखलेमध्ये अभिजीजी पवार असतील, फिरोजी काझी, चेतनजी दळवी, सुबोधजी सावंत, अभिजित आखाडे, अनमोल पवार या सर्वांचं मी मनापासून कौतुक करतो। त्याचबरोबर अक्षय पवार यांचं देखील कौतुक करेल। गेले 2 रात्र ते पंचांची भूमिका देखील पार पाडतात। 24 इव्हेंटच्या माध्यमातून ही स्पर्धा थेट 198 देशांमध्ये लाईव्ह टेलिकास्ट केली गेली आणि त्याचबरोबरीनं आपण बघितलं प्रेक्षकाचा उदंड प्रतिसाद या अंडरम क्रिकेटच्या महासंग्रामाला, अर्थातच या सोहळ्याला देखील लाभला। त्या तमाम क्रिकेटर रसिकांचं देखील स्वागत असेल। यावेळेस बॅटची आतली लिडिंग एज घेतली आणि यशरक्षकाला चकमा दिला, चेंडू गेला चकमकीत 4 धावांसाठी चौकार, तर 10 धावा स्कोर कार्ड। याआधी आपण एक तर 10 धावा स्कोर कार्डवरती आल्यात, 44 धावांचा पाटला होतोय। अतिशय सुंदर खेळ चालू आहे तो टीम माडिकवाडी पेन संघाच्या माध्यमातून आणि टीम मस्जिद मोल्ला
खोपोली संघ आता मात्र विरोधात खेळ करतोय वाचवायच्यात आता येणाऱ्या काही चेंडूमध्ये 33 धावा 44 चा पाटला होतोय। किशोरचं हे षटक थोडंसं महागडं ठरलं आतापर्यंत पण किशोर कॉन्टॅक्ट क्षणी कमबॅक करू शकतोय सामन्यामध्ये। किंग ग्रुप खोपोलीच्या वतीने आयोजित या शृंखलेमध्ये मी पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत करतो आणि या चेंडूवरती आपण बघितलं घाई केली अति घाई संकट नाही। पहिला फलंदाज तंबूच्या आसऱ्याला येतोय प्रशांत ज्याला शांत केलं गोलंदाज किशोरनं। याआधी हिंदीचं जे समालोचन आपण ऐकलं सोहेल शेख मॅन फ्रॉम खोपोली यांच्या माध्यमातून अतिशय सुंदर समालोचन प्रेक्षकांची मन जिंकणारं समालोचन आपल्याला ऐकायला मिळालं। मी स्वतः तुषार धुमाळ या मॅचमध्ये पुन्हा एकदा घेऊन जातो जिथं पहिला गडी बाद झालाय 10 या धावसंख्येवरती 44 धावांचा पाटला होत असताना। या षटकातील 4 चेंडूचा खेळ झालाय अजूनही 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे। यावेळेस पुन्हा एकदा 1 चोरटी धाव पूर्ण झाली 1 धावेच्या मदतीने स्कोअर कार्डवरती बा टोटल 11 धावा स्कोअर कार्डवरती आल्या आणि क्रॅम्प आलाय माझ्यामध्ये आणि जर क्रॅम्प आला असेल तर विनंती आहे पोटभर पाणी पिया। क्रॅम्प येणं हा एक प्रकार आहे या स्पोर्ट्स क्रिकेटमधला स्पोर्ट्स खेळामधला। आपल्या शरीरात मिठाचं प्रमाण जर वाढलं अशा पद्धतीचे क्रॅम्प येऊ शकतात हातापायाला दुखापत होऊ शकते त्यामुळे पाण्याचा समतोल हे शरीरामध्ये ठेवणं देखील गरजेचं असतं। रिव्हर्सिपचा प्रयत्न होता पण धाव मात्र जोडली जाणार नाही। पहिल्या षटकाचा खेळ यावेळेस पूर्ण झालाय 1 षटकाच्या समाप्तीनंतर 44 धावांचा बाटला होत असताना 1 गडी बाद 11 धावा स्कोअर कार्डवरती आल्यात आणि माझा साथी गुणलेखक मला सांगतोय जी 11ची सरासरी ठेवायची होती ती मात्र माडिक काडी पेन संघाने ठेवली आहे येणाऱ्या 18 चेंडू आणि 33 धावांची गरज। गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज साहिल 3 क्रमांकाचा फलंदाज स्ट्राइक एंडवरती आहे राहुल। यावेळेस पंचांचा 9 चेंडूचा इशारा आलाय 12 धावा स्कोर कार्डवरती पूर्ण झाल्यात अजूनही विजयासाठी 32 धावांची गरज आहे। साहिलनं पहिला चेंडू खराब फेकलाय अजूनही उर्वरित 18 चेंडू आहेत आणि 32 धावा करायच्यात या मेगा फायनलच्या ट्रॉफीला आपल्या शोकेशमध्ये आपल्या संघाच्या नावावरती कोरायचं असेल तर किंग ग्रुप खोपोलीच्या वतीनं आयोजित केलेली शृंखला भव्य दिव्य हा सोहळा प्रकाश झोतातील अंडरम बॉक्स क्रिकेटचा थरार आपल्या समोर ज्या सोहळ्यातील शेवटचा क्षण ज्याचसाठी केला होता अट्टास ज्याचसाठी केला होता अट्टास तो क्षण आता मात्र काहीच क्षणात काहीच मिनिटात काहीच सेकंदात मात्र गोड होणार आहे। तिथे पुन्हा एकदा व्हाईट चेंडूचा इशारा आलाय 13 धावा धावलकावरती क्या तेरा क्या मेरा समीकरण बरोबरीचं आहे। पुन्हा एकदा स्वेअर चेंडूचा इशारा येतोय आता मात्र 14 धावा धावलकावरती आल्यात आणि आपण बघितलं की किंग ग्रुपचे सर्व सदस्य मैदानाच्या चारी बाजून आता फेरफटका मारतायत। अभिजित आघाडे प्रमुख पाहुणे येतात खुर्च्या अभिजित पवार फिरोज काझी चेतन दळवी सुबोध सावंत अभिजित आघाडे अनमोल पवार या सर्वांच्या मदतीनं या सर्वांच्या एकजुटीनं या शृंखलेचा आता प्रारंभ आरंभ अर्थातच मेगा फायनलचा हा सोहळा पार पडतोय। निश्चितच सुदर्शन सावंतला कोण विसरणार ज्यांनी गेले 2 रात्री इंजर्ड असताना सुद्धा पंचांची भूमिका पार पाडली त्याचबरोबर आमचे लेख पंच आहेत ज्यांनी गुणलेखकाची देखील भूमिका पार पाडली असे शुभम आपल्याला पाहायला मिळतात त्याचबरोबर अक्षय पवार यांना विसरता कामा नये ज्यांनी या मैदानावरती खेळाडूंना खेळ करण्यास भाग पाडलं अर्थातच सर्व टीमची जबाबदारी त्यांनी घेतली होती। प्रसाद बोडेकर आणि प्रसाद शिंदे
शिर्के यांना विनंती आपण व्यासपीठावरती या. कल्पेश बोडेकर, तुम्ही मागच थांबा, हॉलँडरचं काम बरंच जमतंय तुम्हाला. 19 धावा स्कोर कार्ड वरती आल्यात, 3 चेंडू आणि 19 धावा. यावेळेस एक धाव मात्र पूर्ण होते, एका धावेच्या मदतीने स्कोर कार्ड वरती टोटल 20 धावा जमा झाल्यात. या षटकातील चेंडू झालेत 4. हा फटका सुरेख, अतिशय सुंदर, कलात्मक पद्धतीनं मोक्याच्या क्षणी मारलेला हा चौकार. कल्पेश बोडेकर आणि प्रसाद शिर्के ऑलराउंडरचं काम करा, जरा लास्टची मॅच आहे, कृपया सहकार्य करा ग्रुपला, ग्रुपला सहकार्य करा, कृपया ग्रुपला सहकार्य करा. विशाल जाधव, विशाल जाधव, शुभम चव्हाण आणि मोहन पवार सफारीतून उतरून बाहेर या, सकाळ झाली आता. उत्कृष्ट गोलंदाजचा मारा करतोय तो साहिल, अप्रतिम गोलंदाजी म्हणता येईल साहिलची. उर्प 222 4111 त्याग करून त्यांनी जो 222 नंबर घेतलाय, नक्कीच भविष्यात फायद्याचा ठरेल. दोन चेंडूच्या समाप्तीनंतर 26 धावा धावफलकावरती आहेत, 44 धावांचा बाटला होतोय. हा चेंडू यावेळेस स्वेअर घोषित झाले पंचांच्या माध्यमातून, टोटल 27. यावेळेस एक चोटी धाव म्हणावी लागेल जी पूर्ण झाली एका धावेच्या मदतीनं स्कोअर कार्डवरती, वा टोटल
28 सुरेख क्षेत्ररक्षण मोक्या मोक्याच्या छडी या चेंडूला अडवलं गेलंय. पुन्हा एकदा एक सिंगल, एका सिंगलच्या मदतीने टोटल 30 धावा धावलकावरती. शेवटचे 7 चेंडू बाकी आहेत, म्हणजे या षटकातील कदाचित शेवटचा हा एक चेंडू असेल. आणि शुभम जर्केला धावलकावरती लागल्यात. शुभम जर्केला विनंती करतो, डीजे काढायचे घाई करू नका बाळा. प्रमुख पाहुणे येणार आहेत, त्याचबरोबर आपलं बक्षीस वितरण आहे. शेवटचे 6 चेंडू आणि 13 धावांची गरज. धावबलकावरती टोटल 44 धावांचा पाटला होता असताना धावा जवळ जमा झाल्यात, त्या टोटल 31. किंग ग्रुपचे आधारस्तंभ मानले जातात ते चेतन दळवी, यांचं सुद्धा स्वागत होईल इथं. गोलंदाजी मार्कवर कॅप्टन कोल राजू भाई. शेवटचे 6 चेंडू आणि 13 धावांची गरज. शेवटचे 5 चेंडू 12 धावांची गरज. कॅप्टन कोल राजू भाई. ऐसी कोई गली नहीं जहां राजू भाई की बॉलिंग चली नहीं. निर्धाव पदीचा चेंडू राजूच्या माध्यमातून राजूने किया बॅट्समन को बाजू. शिर्के शिर्के प्रसाद शिर्के, शुभमला काही झालंच मध्ये आल्यास तुम्हाला सुद्धा फटके भेटले जातील, याचा सुद्धा तुम्ही विचार करावा. शुभम अनिकेत दळवीचा विचार करण्यापेक्षा अभिजित पवारचा विचार कर, जास्त तुला जवळचं वाटेल, कारण की तू माझ्या घराच्या बाजूलाच राहतो, त्याच्यामुळे तू माझा विचार करणं गरजेचं वाटतंय मला. तीन चेंडू आणि 12 धावांची गरज, म्हणजे लागोपाठचे 3 चौकार मारावे लागतील. साहिल
फलंदाज स्ट्राइक गेट वरती डाव्या हाताचा फलंदाज आहे आणि डाव्या हाताचे फलंदाज हे गोलंदाजाची डोकेदुखी ठरतात। अशा वेळी साहिल मात्र काय करतोय हे देखील पाहणं गरजेचं असेल। पण राजू एक कसलेला गोलंदाज आहे, राजूने सातत्याने सुंदर गोलंदाजी केल्या या पूर्ण शृंखलेमध्ये आपण पाहिलं तर राजूचा विचार केला, राजू एक स्लॉगवरचा सुंदर गोलंदाज आहे। यावेळेस आणखीन एक आदरा फलंदाज बॅक टू द पॅव्हिलियन। शेवटचा एक चेंडू आणि आठ धावांची गरज। एक नंबर बॉलिंग म्हणता येईल ते राजूबाईची।